काम दीजिए पुलिस स्टेशन रहना डर है कि कुत्ता यही रुक गेट है गेट। अस्सलाम वालेकुम, ये लड़की जो जबलपुर से ट्रेन में से ये पीछे देख और आप आगे असलान हुई लड़की जबलपुर में जो ट्रेन से हम लोगों ने ट्रेन रुका कर ये लड़की को वहाँ से अरेस्ट करवा के यहाँ तक लाए और माशाल्लाह अभी ये रिलीज़ हो गई है और लड़के को सुना दाखिल हुआ है। इसके बारे में पूरी अपडेट मैं थोड़ी देर में डालती हूँ। हाँ बेटा, तेरे को जब लड़का यहाँ से लेके गया तो अभी वहाँ से अभी तेरे को यहाँ वहाँ से लेके आए, तुझे तो नहीं मानता कि तुझे रास्ते में रोकेंगे पकड़ेंगे, तो तुझे अभी ये सब मामला जो भी होगा इससे तेरे को क्या 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 बोलना चाहती इस बारे में? मैं इस बारे में ये बोलना चाहती हूँ, मैं तो गलती की हूँ लेकिन दोबारा नहीं करूँ। दूसरी लड़कियों को बचाव के लिए कहना चाहती हूँ कि दूसरी लड़की गैर मजहब के साथ ना भागे और अपने माँ बाप की कदर करे, उनकी इज्जत करे। तो आलिमा है, मैं फाइन टच कर चुकी हूँ, आलिमा करने जा रही थी। और आलिमा का किसमें कोई इनाम मिला था? हाँ मिला था। अच्छा, तो अभी ये कोर्स करना चाहती है या छोड़ देगी? करना चाहती हूँ। अभी जो ये तेरे साथ जो इंसिडेंट हो गया, ये जो हादसा हो गया, अब इसमें अल्लाह के पास तौबा करके तुझे क्या लग रहा है, ये आजमाइश थी या अजाब था तेरे पे? हाँ अजाब था, लेकिन अब आइंदा नहीं करूँगा। अजाब था, आजमाइश थी, बोल बेटा आजमाइश थी, लेकिन अजाब होता तो तू उसके साथ में मुलविस रहती, उसी के साथ रह जाती। आलिमा का कोर्स करी, तुझे इतना नहीं मालूम कि अगर तू इस चीज़ से उससे बच गई तो तेरे आजमाइश थी, और अगर तू ये तू उसके साथ रहती तो ये तेरे ऊपर अजाब होता बेटा। और बाकी लड़कियों के लिए बोल क्या, इस अजाब से बचो और सब लड़के इस अजाब से बचो। जिस तरह अल्लाह ने मुझे इस अजाब से बचाया, अल्लाह सब और लड़कियों के हिसाब से हिफाजत फरमाए। जिस तरह हम को अल्लाह ताला ने बचाया, अल्लाह ताला इन सब लड़कियों की हिफाजत। हाँ चल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना कुरैशी, ये बच्ची जो जबलपुर से आज लाए है ट्रेन में से उतार कर, जो तीन दिन पहले एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ में यहाँ से चले गई थी, पहला बुसला कर इसे यहाँ से लेके गया, क्या बोल के लेके गया आगे ले क्या बोल के लेके गया है ना कि चल मैं तेरे को मतलब कोई ढूंढ नहीं पाएगा, मैं सब देख लूँ, तेरे अब्बू है, मैं बोली उसके मौसम पूछते, तेरे अब्बू है बोली कि नहीं, बोलते हैं कि हाँ चल चुप्पे से निकल जाए, दो जोड़ा कपड़ा लेके। अभी मैं वहाँ उसके पहकावे में फिर मैं चली गई और लड़के को मैं बोली कि हम लोग की बहुत पहुँच है, मेरी अम्मी ढूंढ लेगी, तो बोलते लड़का बोलते हैं कि मैं सब देख लूँगा। अभी ये लड़की को, जिस लड़की के बारे में मिसिंग कंप्लेंट पहले निकाली गई, आगे मिसिंग कंप्लेंट ली गई, मिसिंग कंप्लेंट के बाद में जब पता चला कि लड़का लेके गया है और उसकी ट्रेन की टिकट जब मिली तो पुलिस स्टेशन में इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया, मगर पुलिस चौकी से उस ट्रेन को रोकने का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लड़की पटना की ट्रेन की ट्रेन थी, कहाँ उतरने वाली थी तू, कहाँ उतरने वाली थी लड़की के साथ? पटना उतरने वाली थी, और पटना से पहले अगर लड़की नहीं आती हाथ में तो फिर ये कभी किसी के हाथ में नहीं आती, और वो लड़की के साथ में ये जो है जिला करने के हिसाब में खत्म हो गायब हो जाती। माँ बाप जो है गरीब वो रो रो के इसको भूल जाते हैं, लेकिन मेरा ये बोलना है कि ये काम जो पुलिस का था, ये नाबालिग लड़की 15 साल की लड़की, अगर पुलिस को जो पता चला तो उन्होंने एफआईआर लेके अपना काम ख़त्म समझा और उस ट्रेन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें वो ट्रेन को रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की जिसमें लड़की उस लड़के के साथ गई थी। क्या हमको उसके बारे में मालूम पाया, उस टिकट के हिसाब से हमने जो हमारे अहमदाबाद के भाई शारिक भाई और जो अजहर भाई जो रेलवे में अधिकारी हैं और संतोष सर जो जबलपुर के अधिकारी हैं और दूसरे वहाँ के जितने भी लोग हैं उन्होंने जो गाइड किया और जिस तरीके से रेलवे को रोका, ये मिनट रिकॉर्ड हमने पूरा ये एप्लीकेशन और ये सारी कुछ हमने पुलिस स्टेशन में दी है और इसे पूरा मिनट रिकॉर्ड भी दिया हुआ है जिसमें पूरी तरीके से सब पूरा किस तरीके से लड़की को रोका गया, किस तरीके से ट्रेन रोकी गई और इन लोगों को अरेस्ट किया गया, वो सारा इसके अंदर है। ये कार्रवाई हमारी तरफ से हुई है, जो काम पुलिस का था मैं पुलिस को दोषी नहीं ठहरा रही, मगर लापरवाही के ऊपर आज अधिकारी ने कहा कि हमने इसमें अपनी तरफ से पूरी हमने इसके अंदर आप लोगों को कॉपरेट किया, आप लोगों को पूरी सुविधा प्रदान की, जिसके बारे में इस एप्लीकेशन में विस्तार से लिखा हुआ है जो जो ये मामले में हुआ है, ये मैं PDF फाइल करके आप लोगों को डाल रही हूँ, ये सारा कुछ आप पढ़िए। और ये सिर्फ एक लड़की नहीं, ऐसी जितनी लड़कियाँ हैं उनके लिए ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो हम लोग अपने पर्सनल बेस के ऊपर अपने अल्लाह के लिए अपने रसूल के लिए कर रहे हैं। और ये रमज़ान महीने में
जो अधिकारी नमाज और अपनी तरावी छोड़कर इस बच्ची के लिए तरावी छोड़कर जबकि झांकी में उसकी ट्रेन रोकी जानी थी मगर तरावी की वजह से जबलपुर में रोकी गई, प्लान को चेंज करके जैसा अल्हम्दुलिल्लाह और उसमें अल्लाह ने जो कामयाबी दी, जो लड़की आज जिना से ही बच गई और मुर्तद होने से ही बच गई, इसी मेरा अल्लाह करम है। बाकी किसी का किसी की कोई औकात नहीं, ना मैं और ना कोई और। हमें अगर ये कामयाबी मिली है तो हमारे अल्लाह के इस महीने की खैर बरकत से मिली है। इसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप लोग इसमें आगे आए, ताउन करें कि कोई काम मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह से लो लगानी, अल्लाह की मर्ज़ी को के ऊपर चलना। अगर अल्लाह की मर्ज़ी अगर हमारे साथ है तो हमारे लिए रास्ते इतने आसान हो जाते कि कुन फयाकुन के मालिक की तरह हमें हमारे लिए कुन फयाकुन के हिसाब से काम होते चले जाते और हमें पता भी नहीं चलता कि इतने बड़े बड़े काम हमारे हाथों से हो गए। मैं शबीना कुरैशी हिफाजत नस्ल हेल्पलाइन वुमेन एसोसिएशन की तरफ से एप्लीकेशन वहाँ पर जमा की गई है। हर जगह पर ये एप्लीकेशन जाएगी जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों की मांग की है और ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए, जो हमारी बच्चियों के लिए आगे बहुत काम आने का जरिया, सिर्फ ये बच्ची नहीं हर मज़हब की बच्ची के लिए हमने इसमें कुछ सहूलतें मांगी है जो हमें मिलना चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह काफ़ी मेहनत की है जो हमारा काम यहाँ से देखती हिफाजत ने सुधा हेल्पलाइन का रहाना पर भिवंडी से इंशाल्लाह, और काफ़ी लोग थे तालिंग इसकी वजह से हम लोग 4 बजे से यहाँ आए हैं और अभी बजा है आप तारीख करने का, हम लोग ने फिर बच्ची को यहाँ से लिया है, 8:30 बज गया है। अल्लाह ने हमारी इस मेहनत को कबूल किया। अल्लाह हाफिज़।